हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि CUET का जो एग्ज़ाम है वो कई सारी प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। कल का जो एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन हो चुका है। कई सारे स्टूडेंट की कमेंट आ रहे हैं कि एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन NTA ने प्रोवाइड की है वो सिर्फ 4 अगस्त के लिए थी। आज 5 अगस्त है तो बहुत सारे बच्चों को अपना एग्ज़ाम देने जाना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और उस पर सर्च करना है CUET.samarth.ac.in। ये ऑफिशियल साइट है। इधर उधर की लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि यहाँ क्लिक करें, वहाँ क्लिक करें। इससे अच्छा है आप ऑफिशियल साइट को ओपन करें। तो CUET.samarth.ac.in ये ऑफिशियल साइट का लिंक है, इसे ही गूगल क्रोम पे सर्च कीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे ये पेज ओपन हो जाएगा और देखिए यहाँ अनाउंसमेंट भी शो हो रही है। NTA द्वारा अनाउंसमेंट भी शो की जा रही है एडमिट कार्ड को लेकर कि कैसे आपको एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करना है। इसके बाद यहाँ देखिए एक क्लियरली एक डेफिनेट कॉलम भी प्रोवाइड किया गया है डाउनलोड एडमिट कार्ड। साइड में देखिए यहाँ मेंशन भी कर रहा है और यहाँ अनाउंसमेंट की जा रही है कि वेलकम टू CUET UG 2022 पोर्टल, लॉग इन टू व्यू एडमिट कार्ड डिटेल्स। यानी अगर आप साइन इन करेंगे, अगर आप पहले से लॉग इन है तब तो अच्छी बात है, अगर लॉग इन नहीं है तो साइन इन कर सकते हैं, लेकिन इन सब की ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ देखिए डाउनलोड एडमिट कार्ड को लेकर डिटेल्स मांगी गई हैं। यहाँ आपको क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर फिल करना है। एप्लीकेशन नंबर जो आपने फॉर्म फिल किया होगा उसमें एप्लीकेशन नंबर रहा होगा, उस एप्लीकेशन नंबर को फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ में डे, मंथ, ईयर फिल करना है। सिक्योरिटी पिन यानी यही कैप्चा आपको फिल कर देना है। डेट ऑफ बर्थ में ये आपको ध्यान रखना है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने फिल किया है डेट ऑफ बर्थ सेम एग्जैक्ट वही होनी चाहिए। और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ क्लिक कर देंगे डाउनलोड एडमिट कार्ड पे, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, जिससे आपको सिटी, एग्जामिनेशन डे सब कुछ पता चल जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ गया है, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ गया है, किस डेट को है एग्ज़ाम, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ऐसे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी तो मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करा दूंगी। अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि जो 5 अगस्त का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हुआ है या नहीं हुआ है। केरला स्टेट का हो गया है, अदर स्टेट का भी नहीं हुआ है। तो ऐसे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।